So basically, if we have, let's say, five ions here, so individual conductance of all the ions can be added to get the overall molar conductivity of the solution. चले हम आगे एप्लीकेशन ऑफ कोलोरस लॉ पर. एमआर बैच तुम्हारा कल टेस्ट है ना, फुल सिलेबस, अच्छा और वो ऑनलाइन रेजो पर होगा, पता है ना तुम्हें. हाँ सर, आपने एक लिंक भेजा था ना ऑनलाइन. मैं और एक बार अपडेट कर दूंगा. चलो एप्लीकेशन. सर टेस्ट की टाइमिंग क्या है? आफ्टरनून. नीट का टाइमिंग क्या होता है? 2 to 5 होता है, 2:30 to 5:30 होता है, क्या होता है? 5 तो नीट का टाइमिंग रहेगा वही रहेगा. स्टिल एक बार मैं आज कंफर्म करके तुम्हें सेंड भी कर दूंगा टाइमिंग पोर्टल. उसका आईडी तुम्हारा रोल नंबर रहेगा और पासवर्ड तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ रहेगा. ऑनलाइन रेजो डॉट इन. यस सुन रहा हूँ, बोलो. सर वो रोल नंबर का प्रॉब्लम आ रहा है, वो लॉगिन नहीं हो जिसका रहा. है ना चेक कर लेना आज ही, और दीपक सर से कांटेक्ट कर लेना जिसका लॉगिन नहीं हो रहा है, ओके तो वो सर. तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देंगे कि मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा, क्योंकि कल तुम कॉल करोगे तो कल संडे है, कुछ भी नहीं होगा. हाँ ओके सर. देखो लैम्डा इनफिनिटी फॉर एजीसीएल हमें डिटरमाइन करना है. अब अच्छी बात है, एजीसीएल से एजी प्लस आए, AgNO3 से Ag आए, कहीं से भी Ag प्लस आए, तो Ag प्लस का मोलार कंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर आयंस. ये किसके किस मॉलिक्यूल से आया है उससे मैटर ही नहीं करता है, कौन सा दूसरा आयन से वो मैटर ही नहीं करता है, बिकॉज दे आर मूविंग इंडिपेंडेंटली विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एट इनफाइनाइट डायल्यूशन. सो हम क्या करेंगे, इसे ऐसा लिख सकते हैं लैम्डा एम इनफिनिटी ऑफ AgNO3, यहां से भी Ag प्लस आ गया, क्लियर, यहां से भी Ag प्लस आ गया, बट नाइट्रेट एक्स्ट्रा आया है और Cl माइनस भी चाहिए, तो हम यहां पर ले लेते हैं लैम्डा एम इनफिनिटी फॉर KCl. या Ag प्लस का मोलर कंडक्टेंस फ्रॉम हियर, Cl माइनस मोलर कंडक्टेंस फ्रॉम हियर, AgCl हो गया, एक्स्ट्रा आ गया नाइट्रेट और K प्लस, तो उसे माइनस कर दो, लैम्डा एम इनफिनिटी ऑफ KNO3. सो वी हैव वन इक्वेशन, 1, 2, 3, 4 आउट ऑफ दिस 4, वन इज अननोन, 3 विल बी नोन. हम अननोन को कैलकुलेट कर सकते हैं, हो सकता है ये पूछा, हो सकता है जो भी एक पूछा हो. समझ में आया? और ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इन आयंस के ये Ag प्लस AgNO3 से है चाहे AgCl से है, देयर मूवमेंट देयर कंडक्टेंस आर फिक्स्ड डेफिनेट. इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर है? फर्स्ट एप्लीकेशन. यस सर. और इस पे बेस्ड बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं, नीट में भी, जेईई मेंस में भी, एडवांस में भी इसका यूज आया है कुछ क्वेश्चन में. मतलब ऐसा एडवांस में डायरेक्ट सिर्फ इस पे नहीं बनेगा, उसमें फिर एक दो एप्लीकेशन हो रहेंगे. लैम्डा एम इनफिनिटी फॉर AlCl3 कैन बी रिटन एज लैम्डा एम इनफिनिटी फॉर Al2SO4 होल थ्राइस. यहाँ पे दो एल्यूमिनियम है, यहाँ पे एक है, तो हाफ कर दिया हमने, सो हाफ इंटू टू, वन एल्यूमिनियम प्लस थ्री टाइम्स ऑफ
लैम्डा इनफिनिटी फॉर NaCl, तीन क्लोरीन चाहिए, थ्री टाइम्स ऑफ लैम्डा एम इनफिनिटी फॉर NaCl माइनस थ्री टाइम्स वन टाइम लैम्डा एम इनफिनिटी फॉर Na2SO4. चलो वन एल्यूमिनियम टू बाई टू, वन एल्यूमिनियम थ्री क्लोरीन, थ्री क्लोरीन कितना Na प्लस एक्स्ट्रा आ गया, थ्री Na प्लस, थ्री बाय टू सल्फेट, सो थ्री बाय टू कर दो, थ्री बाय टू इंटू टू थ्री Na प्लस, थ्री बाय टू सल्फेट. सो इफ दिस थ्री इंफॉर्मेशन आर गिवन, तो कुछ कोफिशियंट में चेंजेस करके हम इसको डिटरमाइन करेंगे. सिर्फ इतना चेक करना है, वन एल्यूमिनियम चाहिए, दो है बाय टू, थ्री क्लोराइड आर रिक्वायर्ड, वन ए इंटू थ्री, क्या एक्स्ट्रा आ गया, थ्री बाय टू सल्फेट एक्स्ट्रा है, थ्री Na प्लस एक्स्ट्रा है, सो थ्री बाय टू Na2SO4 को माइनस कर. Is that okay? क्लियर है इतना? धनंजय, जयेश, प्रतीक, राशि? यस सर. यस सर. अजिंक्य तो क्या करता है, इतना लेट क्यों ज्वाइन करता है, क्या करता रहता है? चलो सेकेंड एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. मैंने एक वीक एसिड ले लिया HA, HA कैन डिसोसिएट इन दिस फॉर्म H प्लस Na माइनस फॉर्म. बोर्ड पे देखना है पहले, फिर कॉपी कर लेना. मुझे बताओ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक एसिड का डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर? जीरो. वन ना? वन मैक्सिमम होगा ना, वन. इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज मैक्सिमम वन, 100% डिसोसिएट होगा. एज यू इंक्रीज द डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ. सो अल्फा विल बी वन व्हेन डाइल्यूशन इज इंफिनिटी, और जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगा तो मोलार कंडक्टेंस मैक्सिमम होगा. दिस इज द लिमिटिंग कंडक्टेंस, मैक्सिमम पॉसिबल कंडक्टेंस. सो मैक्सिमम पॉसिबल कंडक्टेंस कितना आ रहा है, लैम्डा एम इनफिनिटी. वो कब आएगा, जब अल्फा वन होगा. अब लेट से 50% डिसोसिएट हुआ है, तो 50% आयंस बने, 50% आयंस बने, इसका मतलब जो मोलर कंडक्टेंस है वो 50% ही होगा. आयंस के कारण कंडक्टेंस है, 100% आयंस बने पूरा कंडक्टेंस मैक्सिमम, 50% आयंस बने 50% कंडक्टेंस, 40% आयंस बने 40% कंडक्टेंस. सो अल्फा जो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जितना परसेंटेज डिसोसिएशन है अपॉन 100% डिसोसिएशन, कैन बी राइट अल्फा जब होगा तो लैम्डा एम, जब 100% होगा तो लैम्डा एम इनफिनिटी. क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. बेसिकली हमने अल्फा को कंपेयर कर लिया, अल्फा यदि 50% है तो 50% ऑफ द मोलर कंडक्टेंस होगा जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा 1 है तो दोनों इक्वल. और यदि हम बात करें के ए की, के होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, सी एज इट इज, अल्फा की जगह लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफिनिटी स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफिनिटी. फिर डिपेंड करेगा कैसे इंफॉर्मेशन इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसको इग्नोर कर सकते हो चाहो तो, डिपेंड अल्फा कितना है और फिर आगे भी न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हो. चलो कॉपी.
हो गया कॉपी? थर्ड एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन, कैलकुलेट सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। और डेफिनेटली सोलिबिलिटी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट डिफाइन होगा किसके लिए? स्पेलिंग सोलिबल सॉल्ट के लिए। AgBr एक स्पेलिंग सोलिबल सॉल्ट है। It exists in equilibrium in this manner. Anyone, what is spelling insoluble salt? किस टाइप के सॉल्ट होते हैं? इनकी सोलिबिलिटी कम होती है, ज्यादा होती है, क्या होता है? कम होती है। सोलिबिलिटी कम होती है। कम होती है। कम होती है। बहुत कम होती है। बहुत कम होती है। बहुत कम। मतलब है बहुत कम डिसॉल्व हो रहे हैं एक सॉल्यूशन में। यदि उनका डिसॉल्व फॉर्म में जो सोलिबिलिटी है, जो मोल्स पर लीटर है, बहुत कम है, कैन वी से दैट दे आर ऑलवेज एग्जिस्ट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनके जो आयंस है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि काफी कम डिसॉल्व हो रहे हैं। यस देयर ओके यस सर। लेस सोलिबिलिटी, देयर अमाउंट डिसॉल्व इज वेरी लेस। क्लियर? ए स्मॉल पर लीटर, ए स्मॉल पर लीटर फॉर दिस एग्जाम्पल। As their solubility is very less, lambda m is always lambda m infinity. उनका जो molar conductance है वो lambda m infinity हो जाएगा। अब आते हैं हम इस relation पे, lambda m which is equal to lambda m infinity, जो भी हमने लिखा lambda m का formula है हमारे पास, या मैं यहाँ पे infinity लिखता हूँ, यहाँ पे lambda m लिखता हूँ। Kappa into 1000 upon molarity. Yeah? अच्छा, molarity, कितने moles per liter present है? Solubility, कितने moles per liter dissolve हुए हैं? क्या दोनों same ही बात है? Solubility and molarity दोनों same होंगे क्या? So, इसको हमने लिख दिया solubility. Solubility आ गया हमारा Kappa into 1000 upon lambda m infinity. सोलिबिलिटी डिटरमाइन कर लिया, अब केस पी निकालना है। so, जैसा भी सॉल्ट होगा, ए बी टाइप सॉल्ट है तो केस पी इज एस स्क्वायर, ए बी टू टाइप होता तो 4s³। सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्ट वी कैन रिलेट केस पी इन सोलिबिलिटी।
क्वेश्चंस करें इस पे बेस्ड. Screen is visible properly? Yes, sir. Question number 123 and 124. Attempt to jaldi se karo. CSVCOH का पूछा है डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123 बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ कोलरोसिस लॉ. एसिडिक एसिड का हो जाएगा HCl प्लस CH3CO के माइनस KCl.
चलो 124 हो गया है या बताना है? An aqueous solution of weak acid has a molar conductance of 19 cm square per mole and it only 1% ionized. Alpha दे रखा है 0.01%. Lambda m infinity that you have to find out. Straightforward question है ये भी. यदि तुम interpret कर पा रहे हो तो ये formula है हमारे पास. Alpha equal to lambda m upon lambda m infinity. Alpha is given 1% 0.01. Lambda m दे रखा है 19. और लैम्डा एम इनफिनिटी पूछा है. आंसर विल बी 1900 ए ऑप्शन. इज दैट ओके? यस सर. चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. Question number 64. Sir, which question? जो भी क्वेश्चंस हाइलाइटेड हैं वो करने. 5964 अगेन बेस्ड ऑन कोलरस लॉ एप्लीकेशंस. पहले 64 अटेम्प्ट करना फिर 59.
देखो बोर्ड पर H प्लस इंटू ओ एच माइनस, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इसके W हमें H प्लस ओ एच माइनस चाहिए, दोनों इक्वल होंगे प्योर वाटर में तो एम स्क्वायर हो जाएगा। अब आते हैं यहां पर कैपा दे रखा है, इसको पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, लैम्डा एम एच टू ओ, लैम्डा एम इनफिनिटी फॉर एच प्लस एंड ओ एच माइनस, इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, 10 टू द पावर प्लस 4 का मल्टीप्लाई करके 10 टू द पावर माइनस 2 का मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेटली 349 पॉइंट समथिंग, मैंने 350 ले लिया, 149 को 150 ले लिया। सो लैम्डा एम इनफिनिटी कैपा इनटू 1000 बाय मोलारिटी, मोलारिटी आ गया कैपा इनटू 1000 अपॉन लैम्डा एम इनफिनिटी, सब कुछ हमारे डिजायर्ड यूनिट में सेंटीमीटर वाले यूनिट में। सो मोलारिटी इतना आ गया, उसे यहां पर रखो, स्क्वायर कर दो, kw आ गया, ph विल बी माइनस log ऑफ h प्लस। क्या समझ में आया 64th क्वेश्चन? अभी इज दैट ओके 64? यस सर, यस। नेक्स्ट 59, द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ HgCl कैपा इज गिवन, लैम्डा ई दे रखा है, दोनों का इन फैक्टर 1 है तो लैम्डा ई लैम्डा एम दोनों सेम ही होंगे यहां पर,
कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एग्जैक्टली सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ एच प्लस ओ एच माइनस की जगह एजीसीएल, कैपा दे रखा है, लैम्डा एम इनफिनिटी आ जाएगा, उसके बाद तुम्हें सॉल्युबिलिटी निकालना है, कैपा इनटू 1000 अपॉन लैम्डा एम इनफिनिटी और केएसटी होगा एस स्क्वायर। 59 एंड 64 ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस हैं, वो सिर्फ एच टू की जगह एजीसीएल, एच प्लस ओ एच माइनस की जगह एजी प्लस सीएल माइनस, वहां पे तो यूनिट भी कन्वर्ट नहीं करना है, सेंटीमीटर वाला ही यूनिट है। हो जाएगा क्या 59 1.12 10 to the power minus 6 into 1000 upon 54.3 plus 65.5 whole square। चले हम आगे, ना क्लियर है? ठीक है, एक छोटा सा हेडिंग और बचा है बस इस चैप्टर में, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, सिंपल सा हेडिंग है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चले, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो काफी सिंपल सा हेडिंग है। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, पहले तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या है एग्जैक्टली। ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें लेट से मेरे पास कुछ एसिड है, क्लियर? इस एसिड में HCl है, H plus Cl minus है, उसका कुछ कंडक्टेंस होगा। अब मैं इसको टाइट्रेट कर रहा हूँ NaOH से, NaOH से जब मैं टाइट्रेट कर रहा हूँ, H plus will react with OH minus to form H2O, H plus धीरे-धीरे कंज्यूम होता जाएगा। यदि H plus कंज्यूम होता चला जाएगा, so if we draw the curve of conductance versus वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड, यदि हम ये कर रहे हैं तो कंडक्टेंस डिक्रीज होता चला जाएगा मैक्सिमम वैल्यू से, क्लियर? एक पॉइंट आएगा जहां पर पूरा का पूरा H plus OH minus से कंज्यूम हो गया, क्लियर? वो पॉइंट पर H plus कंज्यूम हो गया 100% मिनिमम कंडक्टेंस। ऑन फर्दर एडिशन ऑफ OH minus, नाउ फर्दर एडिशन ऑफ NaOH, OH minus increases और उसके कारण कंडक्टेंस बढ़ने लगेगा। सो ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर कंडक्टेंस चेंज होने का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पहले कम हो रहा था फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा था फिर कम हो रहा है, सो जहां पे भी वो ऐसा कुछ शार्प चेंज आएगा वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस। उस पॉइंट पर एच मतलब जो भी रिएक्टिंग सब्सटेंस है उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम हो जाएंगे, एसिड बेस है तो एच प्लस एच माइनस इक्वल हो जाएगा। सो बेसिक लॉजिक इज देयर इज अ कंटिन्यूअस चेंज इन द कंसंट्रेशन एंड द शार्प चेंज इन कंसंट्रेशन, सॉरी, देयर इज अ कंटिन्यूअस चेंज इन मोलार कंडक्टेंस and a sharp change in molar conductance at the point of equivalence. So, जहां भी point of equivalence आएगा, वहां पे sharp change होगा, उससे हम predict कर पाएंगे, यहां पर titration complete हो गया है। चलो, मैं dictate करूं, लिखोगे तुम पहले? The measurement, okay. इसके just नीचे लिखना है, conductometric titration heading के नीचे, the measurement of conductance, the measurement of conductance of resulting solution from an acid base titration, the measurement of conductance
of resulting solution from an acid-base titration is used to calculate equivalence point the measurement of conductance of resulting solution from an acid-base titration is used to calculate equivalence point if there is a regular change if there is a regular change in the conductance and a sharp change at equivalence point So the measurement of conductance of a resulting solution from an acid-base titration is used to calculate point of equivalence if there is a regular change and a sharp change at the point of equivalence. हो गया है कॉपी कर लिया है सभी ने? Conductance of H plus and OH minus is exceptionally high in comparison to other ions. हम बात करें मोलार कंडक्टेंस की ना लैम्डा एम. So molar conductance of S plus and OH minus is exceptionally high in comparison to other ions. यदि H plus या OH minus में decrement या increment हो रहा है तो they are the dominating factor to decide whether the conductance will increase or it will decrease. रिएक्शन सबसे पहले प्रेडिक्ट करना है उसके बाद ही हम इसको समझ पाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों में सिमिलर ग्राफ आएगा यहां पे हम ले लेते हैं कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस व्हाट एवर यू वांट टू टेक मोलर कंडक्टेंस और यहां पे ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड हम एग्जांपल ले रहे हैं HCl वर्सेस NaOH क्लियर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस सो यदि मैं रिएक्शन लिखूंगा HCl और NaOH का HCl मतलब H प्लस Cl माइनस के फॉर्म में NaOH Na प्लस OH माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ये बना रहे H2O प्लस NaCl Na प्लस Cl माइनस तुम देखोगे यहां पे Cl माइनस Cl माइनस को तो डिफरेंस आ ही नहीं रहा है यहां पर पहले जब HCl था तो इसमें Na प्लस नहीं था बट यहां पे Na प्लस इंक्रीज हो रहा है बट एट द सेम टाइम Na प्लस बढ़ तो रहा है और H प्लस कंज्यूम हो रहा है Na plus के कारण जितना कंडक्टेंस बढ़ेगा ऑन एडिशन ऑफ NaOH दैट इज मच लेस देन इन कंपैरिजन टू द कंडक्टेंस डिक्रीजेस बिकॉज़ ऑफ H plus टोटल चार्ज इज ऑलवेज सेम इज ऑलवेज न्यूट्रल सॉल्यूशन सो H plus विल बी रिप्लेस्ड बाय Na plus हियर पहले HCl था अब NaCl तो केटायंस के नंबर चेंज नहीं हो रहे हैं बट जो केटायन का टाइप है वो चेंज हो रहा है इसके कारण कंडक्टेंस चेंज होगा काफी ज्यादा पहले कंडक्टेंस डिक्रीज होगा जहां पर पूरा का पूरा H+ कंज्यूम हो गया ऑन फर्दर एडिशन ऑफ NaOH
OH minus increases, which can increase the conductance. Yeah? क्या एक ग्राफ समझ में आता है हमें? So, ये डिक्रीमेंट का रीजन है एज एच प्लस डिक्रीजेस एज ओ एच माइनस इंक्रीजेस पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस. समझ में आ रहा है अमोघ अनिकेत? बोर्ड ब्लर है क्या? नो सर. नो सर. निशान पार्थ प्रणव इज इट ओके? यस सर. यस सर. यस सर. सेकेंड. चलो अभी दोनों स्ट्रॉन्ग थे, सिमिलर टाइप का ग्राफ आया इसमें आएगा क्योंकि यहाँ पे पहले एनुएच लेते तो H माइनस डिक्रीजेस H प्लस इंक्रीजेस ये हो जाता. रिएक्शन प्रिडिक्ट कर पाओगे क्या बन रहा है क्या बच रहा है कौन सा रिप्लेस हो रहा है तो तुम इजीली समझ पाओगे इसे. Strong acid versus weak base or strong base versus weak acid. Finally, weak component पे जा रहे हैं. Example ले लेते हैं. HCl versus NH4OH. Reaction होगा ये exist करेगा H plus Cl minus में. NH4Cl salt ions बना देगा plus H2. देखो In this case, H plus is consumed till the point of equivalence. तो जैसा ये नेचर था पहले ग्राफ का सिमिलर टाइप का नेचर इसका भी होगा. कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NH4OH एडेड सिमिलर टाइप का इसका भी नेचर होगा. क्लियर? ये पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस आ गया. जैसे ही H plus कंज्यूम हो गया यहां पे हो रहा है H plus decreases. इसके बाद क्या NH4OH एक स्ट्रॉन्ग बेस है? क्या ये डिसोसिएट होगा NH4 plus OH minus में यदि हमने पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस के बाद इसे ऐड किया? क्या OH minus देगा क्या हमें इजीली? इट विल नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस तो इसके कारण कंडक्टेंस नहीं इंक्रीज होगा और होगा भी तो बहुत कम होगा ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन. सो कंडक्टेंस विल नॉट इंक्रीज बाय मच वैल्यू आफ्टर द पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस बिकॉज ऑफ वीक बेस. Weak base won't dissociate, hence G remains same.
क्लियर। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस था इसलिए OH माइनस मिल रहा था, यहाँ पे वीक बेस है तो OH माइनस नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल और थोड़ा सा बढ़ेगा भी OH माइनस, वीक बेस 2-4-5% देगा भी, तो हल्का सा स्लोप आ सकता है बस। क्लियर है इतना? धनंजय गार्गी मानसी? यस सर। चलो थर्ड केस सुन लो फिर कॉपी करना। वीक पहले लिया है बाद में स्ट्रॉन्ग लिया है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों में सिमिलर ग्राफ आएगा। नो वीक एसिड इनिशियली इट विल नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। स्ट्रॉन्ग बेस एड करेंगे तो HCl तो आयंस के फॉर्म में नहीं है, NaOH एड करने पे बनेगा NaCN सॉल्ट, और NaCN एग्जिस्ट करेगा आयंस के फॉर्म में, नो डाउट देयर इज नो H+ OH- आयन, बट स्टिल उनका कंडक्टेंस होता है कुछ बढ़ेगा, तो तुम देखोगे यहां से यहां तक कंडक्टेंस बढ़ रहा है, क्लियर। So slope is less because of there is no H+ OH- ion. On after point of equivalence, when whole HCN is consumed, now further addition of OH- NaOH, OH- increases. पहले बढ़ा, फिर ज़्यादा बढ़ा, क्लियर? क्योंकि आयंस के फॉर्म में नहीं था, weak component. और ये वाला ग्राफ स्टार्टिंग में जो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है वो इसलिए, इसका 2-5% डिसोसिएटेड है, वो H+ कंज्यूम हुआ है, इसमें थोड़ा सा हो सकता है, काफी बार तो इस ग्राफ में हो ही ना, दिखे ही ना हमें, ठीक है? सो 2-5% के लिए ये हो रहा है। टू टू फाइव परसेंट एच सी एन एज एच प्लस। चलो नेक्स्ट केस तुम ट्राई करो, फोर्थ वाला केस, व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वीक तब क्या होगा? थर्ड वाले जैसा ही होगा, बस स्लोप कम होगा। ट्राई करो, बनाओ एक बार।
HCl की जगह मैं ले लेता हूं HCN, so it will not exist in dissociated form, clear? But after reaction we get salt और NH4 plus CN minus बनेगा, तो यहां पर होगा ये पहले तो कंडक्टेंस बढ़ेगा because NH4 plus CN minus increases, यहां पर तो कुछ भी आयंस नहीं थे, कुछ आयंस बढ़ेंगे यहां तक गए, स्लोप कम होगा डेफिनेटली आफ्टर पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस, जैसे ही हमें पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस अचीव हो जाएगा ऑन फर्दर एडिशन ऑफ NH4OH वीक बेस नो कंडक्टेंस नो चेंज इन कंडक्टेंस पहले बढ़ा फिर कांस्टेंट क्लियर सो बाद में बढ़ेगा नहीं क्योंकि ये वीक बेस है यहां पे बाद में इंक्रीज हुआ था स्ट्रॉन्ग बेस था क्लियर है फोर्थ केस fifth case HCl plus HCN combination of weak acid plus strong acid versus NaOH यहाँ पे दो एसिड ले ली तो सबसे पहले strong acid strong base के साथ react करेगा weak acid strong base के साथ react करेगा कौन करेगा पहले ये strong acid तो strong acid consume होगा H plus consume हो गया graph कुछ ऐसा आ गया clear जैसा strong acid के लिए आता है अब एक बार ही खत्म हो गया तो ये केस बन गया weak acid plus strong base में So weak acid plus strong base का ग्राफ कुछ ऐसा था So first point of equivalence with respect to HCl, second point of equivalence with respect to HCN. HCl decreases, yeah? फिर ये वाला ग्राफ weak base versus weak acid versus strong base के लिए First equivalence point for HCl. यहां तक HCl कंज्यूम हुआ है Second equivalence point for weak acid HCl. So सिर्फ हमें reaction predict करना है, बाकी graph तो फिर simple बना ही लेंगे हम. एक last graph और देख लेते हैं. JE का क्वेश्चन था ये वैसे AgNO3 versus KCl जब हम AgNO3 में KCl को ऐड करेंगे तो होगा क्या AgNO3 Ag plus और नाइट्रेट आयन के फॉर्म में KCl, K plus, Cl minus के फॉर्म में एंड बोथ कैन रिएक्ट टू फॉर्म AgCl प्रिसिपिटेट AgCl सॉलिड प्रिसिपिटेट बना देंगे प्लस बनेगा KNO3 K plus NO3 minus ये आयंस के फॉर्म में रहेगा चलो पहले Ag plus NO3 minus था जो हम KCl ऐड कर रहे हैं सो K plus यहां पे भी है Ag plus यहां पर है बट Ag plus यहां पे नहीं है प्रोडक्ट साइड में नाइट्रेट आयन यहां पर भी है तो
Ag plus की जगह हमारे पास आ गया है K plus. So Ag plus K plus both are not H plus and OH minus. So conductance बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा Ag plus K plus के कारण. Almost similar conductance होगा. ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा. Yeah? After point of equivalence, जब पूरा का पूरा AgNO3 consume हो गया है, जब 100% AgNO3 consume हो गया है, further addition of KCl, K plus and Cl minus increases, so conductance increases. Ag ये पहले क्यों almost constant है, क्योंकि Ag plus AgCl precipitate बना रहा है, precipitation reaction है. Is that okay? Ag plus decreases but K plus increases. So, ये एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे यहां पर. इस जगह पर K plus Cl minus both increases on further addition of KCl. ये जेई का क्वेश्चन था. चैप्टर 100% कंप्लीट हो गया है फॉर बोथ द बैच. अच्छा मुझे मेडिकल वाले ये बताओ, हमारा ये तो कंप्लीट हो ही गया, नेक्स्ट वीक में हम इसका बुकलेट भी डिस्कस करेंगे. और एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम कर रहे हो या क्या करना है, लेक्चर्स लगाने हैं कुछ? तुम खुद से कर रहे हो क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर? सर सिर्फ चार पांच कॉन्सेप्ट्स के लिए लगेगा एक एक लेक्चर. ठीक है, तो नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली पहले तो सरफेस केमिस्ट्री हो जाएगा तुम्हारा और फिर उसके बाद देख लेंगे एटॉमिक का भी. और सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बुकलेट के साथ रेडी रहना. ऑर्डर ऑफ डिस्कशन यही रहेगा, पहले एक्सरसाइज 1 देन एक्सरसाइज 2 देन एक्सरसाइज 3. तो 1 और 2 मिनिमम इतना डिस्कशन होगा. और जेपीए के लिए असाइनमेंट रहेगा सिमिलर वे में, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3. तुमसे नेक्स्ट क्लास में मैं मिनिमम इतना एक्सपेक्ट करूंगा एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 तक. ओके कुछ क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन पर, जेई के बुकलेट के क्वेश्चन से सिंगल ऑप्शंस करेक्ट वो करने हैं. तुम्हें करना है क्वेश्चन नंबर 3, 4, J1 and J2. I3, I4, J1 and J2 ये क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं जितना तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे हैं अभी क्वेश्चंस. I3, I4, J1 and J2
ओके कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है बताओ। आई थ्री तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आई थ्री में हमें क्या करना है, लैम्डा एम दिया है, लैम्डा एम इंफिनिटी दोनों को ऐड करके आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी आ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा। आई फोर एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस टू एक्स इज मोलार कंडक्टिविटी ऑफ बी एसओ फोर, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए बाय एन फैक्टर कर देना तो डी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है तुम बता दो अपने एंड पर। आउट ऑफ दिस फोर क्वेश्चन विच क्वेश्चन नीड टू बी डिस्कस? J2 फॉलोइंग कर्व फॉर कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इज ऑप्टेन NaOH solution, अच्छा ये हमें कर्व मिला है तो ये है वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक का, स्ट्रॉन्ग में वीक ऐड कर रहे हैं हम, किस ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग में वीक ऐड कर रहे हैं हम, क्योंकि फाइनली कंडक्टेंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, मतलब आयंस चेंज नहीं हो रहे तो फाइनल तो वीक रहना चाहिए, सेकंड ऑप्शन तुम चेक कर सकते हो तुम्हारे लेक्चर नोट्स में भी है J2 स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक। समझ में आया? यस सर, यस सर। पहले OH माइनस डिक्रीज होंगे इसलिए कंडक्टेंस कम होगा, जब OH माइनस 100% कंज्यूम हो जाएगा फर्दर एडिशन ऑफ एसिटिक एसिड विल नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस इन J2। नेक्स्ट और कोई डाउट? एनीथिंग एल्स? किसी को कोई डाउट नहीं है बचे हुए क्वेश्चन में? कंप्लीट यहां तक ठीक है? सो होमवर्क अटेम्प्ट कर लेना जितना बोला है, मेडिकल एटलीस्ट एक्सरसाइज 2 तक, वैसे तो करना पूरा ही बट मिनिमम एक्सरसाइज 2 तक कर लेना, और जेपीए मिनिमम एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 तक, ठीक है? सेशन एंड करें आप।